फाइनली फिर से एक बार नेचर के आचरण में हम जो है अपना मैगी, बाय द वे हम लोग ने कल जो स्टे किया था ओयो के रूम में, यहाँ पे मैगी है, यहाँ पे कॉफी, ब्लैक कॉफी। गुड मॉर्निंग, दिस इज उत्तम फ्रॉम अमचूर। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का अपना मुंबई टू लद्दाख राइड का है डे 3, और आज हम ट्रैवल करेंगे फ्रॉम रोहतक टू उधमपुर। अराउंड 600 किलोमीटर है ना शायद, 600 किलोमीटर समथिंग है। यहाँ से हम लोग ने रोहतक में सिटी में रूम बुक नहीं किया है, मेन हाईवे पे है, सो यहाँ से जाने के लिए अच्छा है। सिटी में घुसोगे तो आधा घंटा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। सो यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने कल रूम बुक किया था, रात को 11:30 बजे यहाँ आए थे, और ये ओयो का रूम है। मैं डिटेल्स दे दूंगा आपको अगर चाहिए रहेगा तो। ये सिटी के बाहर है तो अच्छा है आपके लिए भी। चलो फिर नाश्ता वगैरह हो गया है और यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बाय द वे अगर क्लाइमेट देखोगे तो बारिश का है, ऑलरेडी बारिश जो है गिरी थी रात को और सुबह से भी गिर रही थी, अभी थोड़ा सा रुक गई है। सो यहाँ से निकलते हैं जल्दी, सब पैकिंग करके ही निकलते, अगर रास्ते में बारिश मिल गई तो कोई इशू ना आए इसलिए। तो चलो दैट्स ऑल, मिलते हैं आपको ऑन द वे थोड़ी देर में। आज की राइड की शुरुआत करते हैं। अभी दो दिन में हमने चलाई है 1400 किलोमीटर, परफेक्ट एकदम। तो ट्रिप मीटर को जीरो कर दिया है, तो लेट्स गो। सो आज का जो प्लान है वो है उधमपुर जाने का, देखते हैं। 595 ने लगभग 600 किलोमीटर है, दो दिन में 1400 चला है, मतलब 700 और आज 600। तीन दिन थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का राइड रहेगा, तो आपको भी थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, बट क्या करें, हमारे हाथ में भी नहीं है। और स्टार्ट प्रॉपर राइड जो स्टार्ट होगा कल से, और वो जो रहेगा पहाड़ी वाली अपना जम्मू। एक बार जम्मू कश्मीर में इंटर हो गए ना तो फिर आप बोर नहीं होगे, इवन हम भी बोर नहीं होंगे। फिर ऐसा लगेगा हर जगह पे रुको। कल यहाँ पे तूफान आया था बहुत बड़ा और बारिश भी गिरी थी, वो देखो सामने ही बोर्ड गिरा है इतना बड़ा जो है, वो देखो अभी वहीं पे जा रहे हैं, वो रहा सामने। बहुत तेज़ जो है बारिश आ रही थी और बहुत तेज़ जो हवा बह रही थी। बाय द वे रोड काफ़ी अच्छे मिले कल ही, खाली हमारा जो है थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया रोड में, बट आई होप अभी आगे वाले आने वाले जो रोड रहेंगे वो अच्छे मिलेंगे। वो एडवेंचर राइड जो है लद्दाख में ठीक लगती है। स्पीड लिमिट 80 है, वी आर ऑल्सो इन 81। तो हम लोग रोहतक सिटी के बाहर साइड इस तरफ रुके हैं, रोहतक लेफ्ट की तरफ है, अराउंड 15-20 किलोमीटर रहेगा शायद यहाँ से। एक बात अच्छी आज कि ठंड ठंड हवा बह रही है, क्लाउडी वातावरण है, बारिश की संभावना है, कभी भी आ सकती है, हम प्रिपेयर है, बट फिर भी थोड़ा सा रुकना तो पड़ेगा कहाँ। तो ऐसे रोड रहेंगे तो टेंशन नहीं आता। हवेली होटल, ये देखो पेड़ जो है गिरे, हवा बहुत तेज़ थी और यहाँ पे एक्चुअली मिट्टी में उतनी जान नहीं रहती कि वो पेड़ वैसे टिके रहे, क्योंकि ये जो है रेत वाली मिट्टी होती है तो इसलिए पेड़ जल्दी गिर जाते हैं, और हवा भी बहुत तेज़ थी, सब जो है झुक गए ऐसे नीचे, तूफान आया था बोल सकते हो। और यही नाम जो है मैं अपने जिक्सर को दूंगा, तूफान, अच्छा लगता है। तो अपना इसका भी नामकरण जो है करना पड़ेगा, क्योंकि ये किया नहीं था इतना 43,000 चलिए 3 साल होने के लिए आएंगे तो अब तक जो है नामकरण नहीं किया, तो मैं भी अभी जो इसका नामकरण कर देते आज से ये अपना तूफान जो है, ये आज से अपना तूफान है। सो होटल से निकल के पहला स्टॉप 22 किलोमीटर के बाद, और पेट्रोल प्राइस है अभी यहाँ के 107 थी, कम होके 97 पे आ गई है। प्राइस अभी हम लोग निकलेंगे नॉन स्टॉप, देखते अच्छा रोड रहा तो कल जैसा 250-300 किलोमीटर नॉन स्टॉप खींच लेंगे जितना जाएगा बाइक। फुल पेट्रोल किया है, पेट्रोल सस्ता हुआ अच्छी बात है, और माइलेज क्या इशू रहेगा आपको कि कितना मिल रहा है मैंने बताया नहीं। जो माइलेज है मैंने कैलकुलेट किया तो फर्स्ट टाइम मिला था कुछ 38 समथिंग, बाद में मिला था 35 तक। उस दिन जो है सेकेंड डे था और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, फुल एक्सेलरेशन के बाद भी जो है गाड़ी 90 तक 95 तक थी, तो बीच बीच में माइलेज ड्रॉप भी होता है। और कल जो है अच्छा मिला था, सेकेंड टाइम जब पेट्रोल भरा था लगभग 39.77, मतलब अराउंड 40 का जो है माइलेज मिला था हाई स्पीड में वो भी। तो डिपेंड करता है आप कौन से लोकेशन पे कहाँ बाइक चला रहे हो, तो माइलेज वेरी करते रहेगा हमेशा। सो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं रोहतक से माहेम की ओर, क्योंकि एक लोकल से पूछा तो बोला ये रास्ता जो है अच्छा है, तो यहाँ से होके जो है आप, और जिंद वाला जो रास्ता है वो बोला कि ख़राब है, तो माहेम से आप बोला कि राइट लेके जाओ, अभी ये रास्ता सीधा सीधा आता है हिसार, तो एक माहेम करके जो है एक
शहर है, वहाँ से राइट लगे वो ऊपर चढ़ने वाला है लुधियाना की ओर। देखते हैं ये 30-35 किलोमीटर का रास्ता है वो अच्छा रहेगा तो भी आधा घंटा में कवर होगा, उसके बाद देखेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पता चलते जाएगा। और ये देखो डे 3 में ही हमें वाटर क्रॉसिंग मिली है, कल बारिश गिरी उसका ये इम्पैक्ट है। सब जगह पे गन्ने की खेती हो रही है, पीछे जो है रोहतक शुगर मिल था उसके ऊपर से ही पता चल रहा है। हमने महम के आगे से जो है राइट मारा है और ये हमें जो है लगा है नेशनल हाईवे 709A। रोड कंडीशन अच्छी है, इवन रोड भी सबसे फास्टेस्ट दिखा रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम अभी ये है कि हर एक गांव में से गुजरता हुआ है। तो आगे आता है जिन के बाद हम लोग जाएंगे लुधियाना की ओर। अराउंड जिन यहाँ से 15 किलोमीटर है। पहले तो हम लोग रोहतक से जिन जाने वाले थे, तो बोले कि वहाँ के लोकल बोले कि भाई ये रास्ता बहुत ख़राब है, आप आगे महम से होके चले जाइए वो अच्छा है। तो रास्ता तो अच्छा है, कोई बात नहीं, उसमें कोई शंका नहीं। अंकल जी तो एकदम आराम से गाड़ी के अंदर बैठ के बाइक चला रहे। लेट्स सी अभी कितना तक हम कवर कर सकते हैं आज। हम जो है रास्ता भटक गए हैं और यहाँ पे देखो कितने सारे मंकी जो है रास्ते पे आ गए, बहुत सारे हैं। देखो कोई तो उनको कुछ खिलाता रहेगा यहाँ पे, वो देखो डाल रहे। चलो अच्छी बात है, सब जो है कुछ ना कुछ लेके आए उनके लिए खाने के लिए। ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी है। ये देखो पार्टी चल रही है, हमारी यहाँ पार्टी चल रही है। सो गाइस फाइनली एक गंदे बैड पैच के बाद हम लोग आ गए नेशनल हाईवे पे, और यहाँ से अभी नरवाना है 35 किलोमीटर और लुधियाना है 190 किलोमीटर। गूगल के भरोसे ज़्यादा मत रहो, गूगल शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे ऐसे गलियों में से घुमा के लेके आया, क्या बताएं आपको। तो गूगल का भरोसा टाइम तक ही करो, उसके बाद मत करो। आप खुद जो है थोड़ा सा रिसर्च करो, जूम करो मैप को और देखो कि वो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है कि लोकल था वो छोटे वाले हाईवे है। मोस्टली नेशनल हाईवे ही पकड़ो, भले लंबा रूट रहेगा 20-30 किलोमीटर एक्स्ट्रा रहेगा, बट वो प्रॉपर हाईवे रहेगा, कोई भी गलियों में से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गूगल ने हमें ये पहली बार धोखा नहीं दिया है, बहुत बार दिया है। हर एक राइड में कोई ना कोई जगह पे गूगल धोखा देता ही है। रोड बहुत ही अच्छा खूबसूरत है, मुझे जब साइड में जब पेड़ आते हैं ना रोड के तो बहुत अच्छा लगता है। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, वाइन नॉइस आएगा, आई नो कोशिश करूँगा निकालने की बट नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग इतने स्पीड से चलेंगे तो वाइन नॉइस तो होना ही है। और ये है हरियाणा, हरियाणा में खेती बहुत है, खेती की जगह बहुत है। संगरूर 59, लुधियाना 153 किलोमीटर और आगे है, और पतरंग करके गाँव है जो है। ये नेशनल हाईवे 52 है, रोड कंडीशन अच्छी है, साइड में पेड़ है और हरियाली है, गाड़ी चलाने के लिए मज़ा आ रहा है, और क्या चाहिए। सो गाइस वेलकम टू पंजाब। सो नया स्टेट जो है अपने लिस्ट में जुड़ गया है। पहले हम महाराष्ट्र से ट्रैवल शुरुआत की है, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब। चलो एक एक स्टेट जो है बढ़ते जा रहा है, अभी फिर आएगा जम्मू एंड कश्मीर, उड़ता पंजाब। तो हम लोग आ गए हैं पंजाब में, अभी पंजाब उड़ रहा है या जमीन पे है वो तो पता नहीं। तो हम लोग अभी ले रहे हैं जलंधर किले, यहाँ से लेफ्ट, वैसे हमने राइट लिया क्योंकि लेफ्ट जो है मिस हुआ, फिर से यू टर्न लेके राइट, अभी सीधा सीधा जलंधर, जलंधर होते हुए लुधियाना। सो हम रुके हैं धूरी में, एक शहर का नाम है धूरी जो लुधियाना के रास्ते में। अराउंड होटल से निकल के जो है 260 किलोमीटर कवर किए हैं अब तक। अपना लंच टाइम हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो ये है काले चने, आलू मटर और कड़ी पकौड़ा और रोटी, बोलो आपको कौन सी खानी है। लुधियाना में हमें मिली है ट्रैफिक, शायद रोड का काम चल रहा है, कोई करते हो तो दिख नहीं रहे। और टाइम हो गया 5:03, टोटल किलोमीटर चलिए 312। ये यहाँ से ट्रैफिक से निकल जाए तो आगे कहाँ रुकेंगे वो डिसाइड करेंगे। अभी यहाँ से आएगा जलंधर जो कि 64 समथिंग था, फिर वहाँ से पठानकोट, पठानकोट से फिर
उधमपुर। ट्राई करेंगे उधमपुर पहुंचने के लिए, नहीं तो उसके पहले के हाथों रुक जाएंगे। ये कुछ नज़ारा है लुधियाना सिटी का। लुधियाना के ऊपर से ब्रिज से हम लोग गुजर रहे हैं, देख लो यहाँ पे, ये है सिटी। दो दो तीन तीन माले का घर, ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं है यहाँ पे। तो गाइस बहुत ही बड़ा सीन हो गया है। हम लोग अभी लुधियाना से बाहर यानी कि पठानकोट के लिए राइट टर्न लिया है मेन रोड से, मेन हाईवे से। तो यहाँ से पठानकोट है 101 किलोमीटर और जम्मू है 210 किलोमीटर। टाइम हो गया है 7:34। सोचा था उधमपुर जाएंगे, बट अभी जो है उधमपुर का टाइमिंग इतना बढ़ गया है कि हम लोग 12:30 बजे पहुँचेंगे। तो हमने थोड़ा सा प्लान में अभी चेंजेस किया है, 9-10 बजे तक जहाँ पहुँचेंगे वही स्टे करेंगे, या फिर रास्ते में जो भी मिलेगा वहाँ पे स्टे करेंगे। अभी यहाँ से सोचा है कि उधमपुर के नीचे एक सांभा करके कुछ गांव है, सांभा करके शहर है, वहाँ पे तो वहाँ तक तो पहुँचेंगे तो भी ठीक है। 178 किलोमीटर अभी भी और आगे है, वो अराउंड 3.5 घंटे लगेंगे यहाँ से। उसके लिए भी हमें जो है 11 बज जाएंगे पहुँचने के लिए। अभी रात भी हो गई है, 7:30 बज गए 8:15। अभी शायद हम लोग जहाँ रुकेंगे वही आपको मिलते हैं। अगर बीच में कुछ अच्छा लोकेशन दिखा तो वहाँ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वैसे भी रात होगी अभी कुछ दिखेगा नहीं। टाइम हो गया है 9:08। 468 किलोमीटर चलिए पठानकोट है, पठानकोट है यहाँ से और 20 किलोमीटर आगे। और ये जस्ट अपडेट दे रहा था मैं कि रोड कंडीशन एक नंबर है, सुपर से ऊपर वाले रोड जो है मिले। 9:39 हुआ है, 496 किलोमीटर चलिए पठानकोट को थोड़ा सा बाय बाय करके आगे चले जाते हैं, क्योंकि जितना हो सके कवर करेंगे। अभी क्या हम लोग थोड़ा एनर्जी में है तो कवर कर लेते हैं, कि सुबह फिर आराम से उठ के चले जाएंगे, क्योंकि अभी सुबह का जो डेस्टिनेशन है वो नज़दीक है, मतलब कम किलोमीटर है क्योंकि वो हिली एरिया है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे हो कि ये हमेशा व्लॉग एंड मॉर्निंग में ही क्यों करते हैं, क्योंकि रात को जो है हम लोग आए अराउंड 12 बजे यहाँ पे। हम लोग ने स्टे किया है सांभा में, ये उधमपुर से 80 किलोमीटर पहले आता है, यानी कि 1.5 घंटा पहले है। ट्राई किया था उधमपुर तक जाने का लेकिन पॉसिबल हुआ नहीं, 12 बज गए तो सोचा कि यहीं पे स्टे करते हैं। ये अच्छी सिटी है और यहाँ पे होटल्स वगैरह अवेलेबल है, सो आप करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, या नीचे पठानकोट भी वो भी है वहाँ पे भी कर सकते हो। देखो ये राइड ऐसी है कि यहाँ पे प्लान बहुत सारे होते रहते हैं और बहुत सारे प्लान में चेंजेस होते रहेंगे, क्योंकि ये लद्दाख वाली राइड है। जो आपने डिसाइड किया है वहाँ तक आप पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे डिपेंड करता है आपके टाइम प्रिपरेशन और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, जो हमने अभी तक बहुत सारा उसको इग्नोर किया है। बहुत ज़्यादा स्टॉप होने के बाद जो है टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है और लेट निकल रहे हैं, उसके वजह से भी ये सब दिक्कतें आ रही है। सो अपना आज का जो मतलब कल का जो आज का राइड था फ्रॉम रोहतक टू सांभा तक, अराउंड हमने 620 या कुछ समथिंग किलोमीटर कवर किए हैं। सो हम लोग रोहतक से निकले थे 10 बजे और यहाँ पहुँचे रात को 12 बजे, अराउंड 14 आवर्स जो है राइड की। सो आई होप आपने आज का जो व्लॉग है वो एंजॉय किया होगा, पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक्स जो है हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अच्छे अच्छे कंटेंट जो आपके लिए बनाए। और सो दैट्स ऑल, मिलते लद्दाख, मुंबई टू लद्दाख राइड के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड, व्यस्त रहो, मस्त रहो, बाय।